एक सज्जन भगवान से बात करने के लिए पर्वत के ऊपर गए। कहते हैं, प्रभो आपके लिए 1 करोड़ वर्ष क्या है? भगवान ने कहा, 1 क्षण है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभो आपके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? भगवान ने कहा, 1 चवन्नी की भांति है। तो उसने कहा, प्रभो क्या आप मुझे 1 चवन्नी दे सकते हो? भगवान ने कहा, 1 क्षण में देता हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। भगवान गीता में कहते हैं कि जो छल कपट के साथ रवैया करेगा वो इस बात को भूल जाता है कि पूरे जगत के सबसे शक्तिशाली छलिया भगवान है। जीवन पर्यंत हर प्रकार के गतिविधियों से हम चाहे जो भी धन संपत्ति इत्यादि अर्जित करें, मृत्यु के रूप में भगवान प्रकट होकर हमारे सारी संचित संपत्ति को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की काल शक्ति से बचना है और समझना है कि केवल उनका चिंतन मनन करके निर्विलीक भाव से जब हम निरंतर उनका भजन करेंगे, तब जाकर हम इस जगत के हर प्रकार के छल कपट से बच सकते हैं। अन्यथा यदि भगवान के साथ छल कपट करने गए तो भगवान साक्षी हैं और हर छल कपट का हम सभी के साथ उसी प्रकार में उचित मात्रा में प्रतिक्रिया होगी। आइए निष्कपट भाव से हम भगवत भजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।